दर्शकों, मैं हूँ प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। आकाशीय बिजली गिरने से 25 वर्षीय युवक की मौत। आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम पारा बिहारी का है, जहां पर ग्राम हरदोली निवासी इरशाद पुत्र बरकत कुरैशी, उम्र लगभग 25 वर्ष, गांव-गांव खिलौने बेचता था, कभी मजदूरी करता था। जिस समय आकाशीय बिजली गिरी तब इरशाद ग्राम पारा बिहारी पर था। वही आकाशीय बिजली की चपेट पर आने से मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। आइए देखते हैं बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिव हरे की खास खबर। उसका मुकीम का सिद्दीक जी, यहाँ क्या घटना हुई है? हमारे यहाँ हम ईंटों का चट्ठा लगवा रहे थे बच्चों से। जब मैं यहाँ आया तो कहाँ लगा रहे हैं तो देखा तो ये सामने खड़ा था, चट्ठे से कम 1.5-2 गांठा इधर खड़ा था। मैं आया तो चट्ठे के पास खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद जो है एक बारगी जो है इतनी जोर से लपका कि हम नाली पे गिर गए। बच्चे लोग गिर गए, बच्चे तो उठ के भाग गए। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि ये पड़ा हुआ है। मैंने बच्चों को चिल्लाया और चिल्ला के कहा कि यार आओ इसको देखो कि ये बेहोश है क्या है। तो जब आया तो वो ख़त्म था। क्या आकाशीय बिजली गिरी थी? आकाश से गिरी थी। क्या नाम है आपका? सिद्दीक। कौन सा गांव है? पारा बिहारी। हाँ प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा अल्ताफ खान नाम है। हाँ। ग्राम प्रधान पारा बिहारी का हूँ मैं। हाँ। क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना ये बिजली गिर के हुई। मैं तो बबेरू था, मुझे जो खबर मिली। हाँ। कि बिजली गिरी और ये घटना हो गई। घटना मतलब ये लड़का जो है यही रोज रहता था, अपना खिलौना उलौना बेच के जो भी है फेरी फकीरी करके अपना बसर करता था और यही रिश्तेदारों के यहाँ रहता था वो। घटना हुई, उसकी मौत हो गई। अच्छा ठीक। मेरा नाम मुनीम शाह। हाँ, क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना ये हुई कि यहाँ पर ये था रिश्तेदारी में था यहाँ, और इसके बाद यहाँ खड़ा था अपना धंधा करने, खिलौना आया था तो मान लिया खड़ा हुआ था। अचानक आकाशी जो है गिरी, उसका देहांत हो गया। अच्छा, कौन सा गांव है ये? पारा बिहारी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुनीम शाह। बांदा जनपद के ओरन कस्बे के गांधी राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों और छात्राओं से मानक के अनुसार से ज्यादा फीस की उगाही की जा रही है, जिसमें गरीब छात्र छात्राएं दर दर भटक रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षण बांदा के रहते हुए भी कॉलेज के प्राचार्य छात्र छात्राओं से शुल्क के नाम पर मनमानी की जा रही है। अवैध वसूली नगर के छात्रों और छात्राओं के अभिभावक बुरी तरह से परेशान हैं। अभिभावकों ने बताया कि अगर इस कॉलेज के सही से जांच हो तो लाखों रुपए का घोटाला निकल सकता है, क्योंकि सभी छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावक भी परेशान हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।